अडिग धैर्य के स्वामी अर्थात गणसुकुमाल मुनि कंस के वध के पश्चात द्वारिका में आकर बसे हुए यादवों को 16 कलाओं में विकास हुआ। उन्होंने अपनी संपत्ति की अत्यंत वृद्धि से और द्वारिका अलकापुरी से ईर्ष्या करने जैसी हो गई। परंतु कुछ ही समय में जरासंध को इस बात का पता लग गया। उसने श्री कृष्ण एवं यादवों को झुकाने के लिए प्रयाण किया, परंतु बीच में घमासान युद्ध हुआ। जरासंध मारा गया और श्री कृष्ण वासुदेव बने। श्री कृष्ण की तीनों खंडों में अखंड आन थी। श्री नेमिनाथ भगवान जो उनसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी थे, वे कदाचित उन्हें पराजित करके राज्य ले लेंगे, ऐसी श्री कृष्ण के मन में शंका थी। परंतु नेमिनाथ के दीक्षा ग्रहण कर लेने से उक्त शंका भी निर्मूल हो गई थी। द्वारिका में सर्वत्र शांति, प्रेम, आनंद एवं सुख था। देवकी अपने पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त यश एवं तेज से हर्षित होती और एकानापी सुपुत्रन सिंह स्वपिति निर्भयम अर्थात एक पुत्र से भी शेरणी निर्भीक होकर सोती है, इस प्रकार वह अपने मन में अनुभव करती थी। मध्याह्न का समय था। सूर्य की किरणें द्वारिका के करोड़पतियों के महलों पर लगे स्वर्ण कलशों में प्रतिबिंबित होकर तेज में वृद्धि करके पृथ्वी को उष्णता प्रदान कर रही थी। उस समय दो मुनि युगल धर्मलाभ कहकर देवकी के घर पर आए। देवकी ने खड़ी होकर उनका अभिवादन किया और उन्हें लड्डुओं की भिक्षा प्रदान की। मुनि युगल भिक्षा लेकर चले गए, परंतु उनके मुखारविंद एवं कांति का देवकी बहुत समय तक स्मरण करते हुए स्तब्ध खड़ी रही। उनकी चाल एवं कांति श्री कृष्ण की चाल एवं कांति के समान प्रतीत हुई। श्री कृष्ण को देखकर जो वात्सल्य भाव देवकी में उत्पन्न होता, इन दोनों मुनियों को देखकर देवकी को वैसे ही वात्सल्य भाव का अनुभव हुआ। कुछ समय तक वह विचार मग्न रही और उसकी इच्छा उन्हें ये पूछने की हुई कि तुम किसके पुत्र हो, तुमने दीक्षा अंगीकार कब की। कितने में मुनि युगल चला गया और देवकी खड़ी खड़ी उनका मार्ग देखती रही। अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था कि इतने में दूसरा मुनि युगल धर्मलाभ कहकर खड़ा रहा। देवकी को प्रतीत हुआ कि कुछ समय पूर्व आए हुए मुनि ही पुनः आए हैं। उसने उन्हें लड्डुओं की भिक्षा प्रदान की, परंतु उसके मन में यह विचार घूमता रहा कि या तो मुनि मार्ग भूल गए या गोचरी के अभाव में दूसरी बार आए। इतनी बड़ी द्वारिका में साधुओं को दूसरी बार आना पड़े, ये असंभव है। देवकी अपने मन में प्रथम बार उत्पन्न शंका के संबंध में प्रश्न पूछना चाहती थी, परंतु वह उन्हें ये प्रश्न पूछकर लज्जित हो, इस कारण उसने प्रश्न पूछने का विचार त्याग दिया। मुनि भिक्षा ग्रहण कर चले गए। इतने में तीसरी बार फिर दो मुनि आए। देवकी धैर्य खो बैठी। उसने उन्हें लड्डुओं की भिक्षा दी, परंतु भिक्षा प्रदान करने के पश्चात उन्हें पूछा, भगवान अब त्यागी मुनियों को भी तीन बार एक घर पर भिक्षार्थ आना पड़े, वैसी स्थिति द्वारिका में देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। क्या द्वारिका के निवासियों में विवेक का अभाव हो गया? त्यागी महात्माओं का सम्मान उनके आंगन उठ गया है? महाराज, श्री कृष्ण की द्वारिका में क्या ऐसा होता है? अथवा आप कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए? मुनि बोले, हम न तो मार्ग भूले हैं और न द्वारिका में त्यागियों के प्रति सम्मान की कम हुआ है। हम सुलसा श्राविका के 6 पुत्र हैं। परम पावन नेमिनाथ भगवान का बधिलापुर में आगमन हुआ, तब उनकी देशना श्रवण करके हम 6 भाइयों ने दीक्षा अंगीकार की है। हमारे रूप एवं समान आकृति के कारण स्थान स्थान पर ऐसा भ्रम होता है। ये आपके यहाँ प्रथम प्रसंग नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय बार हम 6 भाइयों में से अनिकयश, अनंत सेन, हित शत्रु और अदित सेन आए होंगे। हम देवयश एवं शत्रु सेन हैं। सामान आकृति एवं सामान रूप के कारण तुमको भ्रांति हुई है कि हम 3 बार आए हैं। हम तो यहाँ आपके प्रथम बार आए हैं। मुनि युगल चला गया, परंतु देवकी का चित्त तो उनकी ओर से हटा ही नहीं। मुनियों की वाणी, चाल, कांति और स्वयं को हुए रोमांच से देवकी को अव्यक्त वेदना होने लगी। उससे वर्षों पूर्व उत्पन्न हुए 6 पुत्रों का स्मरण हुआ। कंस ने उनका वध कराया था, ये सुनकर हृदय दहल उठा और उसे प्रतीत हुआ कि मुनि भले कहें हम सुलसा श्राविका के पुत्र हैं, परंतु कहीं वे मेरे पुत्र तो नहीं हैं। देवकी को रात भर नींद नहीं आई। उसे कंस द्वारा अपने पुत्रों के वध करने की विश्व विख्यात बात के प्रति अश्रद्धा हुई।
प्रातः होने पर देवकी श्री नेमिनाथ भगवान के संवत शरण में गई। देशना पूर्ण होने के पश्चात उसने भगवान को पूछा, प्रभु कल मेरे घर भिक्षार्थ आए मुनियों को देखकर मेरे मन में श्री कृष्ण के समान वात्सल्य क्यों उमड़ा? प्रभु वे किसके पुत्र हैं? भगवान ने कहा, देवकी ये 6 पुत्र तेरे हैं। तेरे उन 6 पुत्रों को हरि गमेशी देव ने सुलसा को सौंपा था। सुलसा उनकी पालक माता है और तू उनकी जननी है। देवकी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसके स्तनों में से दूध की धारा छूटी। देवकी ने उनको वंदन किया और रोते रोते वह बोली, भगवान मुझे कोई दुख नहीं है। दुख केवल इतना है कि 7 पुत्रों की माता होते हुए भी मैं 1 पुत्र को भी खिला नहीं सकी। इन 6 पुत्रों का पालन पोषण सुलसा ने किया और श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया। मैं पुत्रवती होकर भी स्तनपान कराए बिना रही। देवकी खेद मत कर, जगत की समस्त वस्तुओं की प्राप्ति में और अप्राप्ति में पूर्व भव में किए गए कर्म कारणभूत होते हैं। तूने पूर्व भव में अपनी सौतन के 7 रत्न चुराए थे। जब वह अत्यंत रोई तब तूने उसे 1 रत्न लौटाया था और 6 रत्न को तूने छिपा दिए थे। तेरा वही कर्म इस भव में उदय हुआ है जिससे 1 पुत्र तुझे तेरा बनकर प्राप्त हुआ और 6 पुत्रों से तू वंचित रही। देवकी कर्म विपाक का चिंतन करती करती अपने निवास पर गई, परंतु उसके पश्चाताप का शमन नहीं हुआ। उसने पुत्र की प्रबल लालसा जागृत हुई। उसे पुत्र के लालन पालन से रहित जीवन निरर्थक प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने हरिंगमेशी देव की आराधन की। देव ने उन्हें वरदान दिया और इस कारण देवकी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम पड़ा गत्सु कुमार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।